नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 सितंबर 2011 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने सद्भावना मिशन के दौरान कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सबको साथ लेकर के विकास के रास्ते पर चल रहे हैं और हमको मिलकर के गुजरात को आगे बढ़ाना है। भारत की स्वतंत्र न्याय व्यवस्था, भारत की उत्तम न्याय प्रणाली और सबको न्याय मिले, ये सबका सपना और इसी के लिए एक राज्य के नाते हमारा जो दायित्व होता है हम निभाते आए हैं, निभाते रहेंगे और यही तो विश्वास है जिसने हम सबको आगे बढ़ाया है। मैं तो हम गुजरात के गांव में जून महीने में जाते 45 डिग्री तापमान होता है, गांव गांव जाते, पूरी सरकार जाती, घर घर जाके कहते हैं कि आपकी बेटी को स्कूल में दाखिल करो। हम सपना देखते हैं 100% एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये क्या है? क्या ये सबसे बड़ी सद्भावना नहीं है? ये सबसे बड़ा सेक्युलरिज्म नहीं है कि जब हम हर एक को पढ़ने के लिए एड़ी चोटी का छोर लगाते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर में तपते हैं? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मित्रों, शरीर अगर उसका एक अंग दुर्बल है तो शरीर को स्वस्थ नहीं कह सकते। अगर मेरे गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों में से अगर कोई एक तबका दुर्बल है तो मेरा गुजरात सबल नहीं हो सकता। मानवता सबसे बड़ी ऊंचाई होती है और मानवता ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। उन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। विकास एक ही हमारा मंत्र है और उस मंत्र को आगे लेकर के हम जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात को किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं। गुजरात ने सिद्ध करके दिया है कि शांति, एकता और भाईचारे से कैसे आगे बढ़ा जा सकता। समय की मांग है कि देश और दुनिया देखें कि संकटों से बाहर निकल करके 6 करोड़ गुजरातियों का पुरुषार्थ कैसा रंग लाया, कैसी विकास की ऊंचाइयों को पार कर गया। मैं आज निमंत्रण देने आया, मेरे 6 करोड़ गुजरातियों को निमंत्रण देने आया। आज हम विकास में जहां जहां पहुंचे हैं वहां रुकना हमें मंजूर नहीं है, हमें इससे भी आगे बढ़ना है और उसके लिए इस सद्भावना नाम का अवसर हमारी बहुत बड़ी शक्ति। आओ भाइयों, हम मिलजुल करके आगे बढ़े, गुजरात को आगे बढ़ाएं, गरीब से गरीब की हम सेवा करें। मित्र, आजादी के इतने साल के बाद हम ये कैसे इंतजार कर सकते हैं कि कोई आएगा गरीबी हटाएगा? हम इंतजार नहीं कर सकते और इसीलिए हमने यज्ञ आरंभ किया है विकास। हम गरीब कल्याण मेला करते हैं, गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 0 to 16 के क्रम तक के जितने गरीब हैं और जिसको घर के लिए जमीन का प्लॉट का अधिकार था मेरे राज्य ने दे दिया, न जाति, न धर्म, न शहर, न गांव, कोई भेद नहीं।
मूलभूत व्यवस्थाओं के तहत विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया, इसी को हमने चलाया। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जब ये सद्भावना मिशन लेकर के अनशन पर बैठा हूं, आमतौर पर मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई है, मैं जिन संस्कारों में पला हूं, उसके कारण मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं बनाया। और पहले तो लोगों को पता नहीं था कि हमारा जन्मदिन क्या है, लेकिन जब से लोगों को पता चला, साल में यही एक दिवस होता है जब मैं किसी का फोन नहीं उठाता हूं, किसी को मिलता नहीं हूं, मैं कभी अपना जन्मदिन मनाता हूं, कभी नहीं। आज भी मनाने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन शनि चल रविवार सुविधा थी, बाद में नवरात्रि बहुत निकट आ रही थी, मेरे लिए यही अनुकूल समय था, इसलिए मैंने कालखंड चुना। इसका मेरे जन्मदिन से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना। और भाइयों बहनों, मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ एक रूटीन में अपने मन की बातें बताता रहूं, जो पहले भी बताता था, लेकिन समय की मांग थी कि हमारे जो पिछले कुछ वर्षों की सफलता मिली है, उसमें एकता, भाईचारा, शांति का बहुत बड़ा रोल है। इस बात को मैं बार बार स्मरण कराना चाहता हूं, मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम विकास इसलिए कर पाए हैं कि एक नागरिक के नाते हमने शांति, एकता और भाईचारे के रास्तों को सबने चुना। अगर बार बार इसको याद करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, बार बार उस बात को स्मरण करते आगे बढ़ेंगे तो विकास की गति तेज होगी। जो हमी ने किया है उसे हमें ही दोहराना। और इसलिए मेरा मन करता था, अगर मैं उपवास करता हूं तो मेरे शब्द की ताकत बढ़ सकती है। जहां भी मुझे पहुंचना है, जिसके दिलों तक पहुंचना है, जिनको अभी और सक्रिय करके विकास की यात्रा में जोड़ना है, उन सब तक पहुंचने के लिए मेरी वाणी से ज्यादा मेरे उपवास का सामर्थ्य ज्यादा हो। इस एक आशा से, कोई अच्छा करने के इरादे से, किसी के प्रति कोई कटुता न रखते हुए, हम सार्वजनिक जीवन में, हम लोकतंत्र को विश्वास करते हैं, और तब कटुता, द्वेष, बदला ये लोकतंत्र के हिस्से नहीं हो सकते। लोकतंत्र सबको साथ लेने की सबसे पहली शर्त होती है। हम उस बात को बढ़ाना चाहते हैं और 100-120 करोड़ का देश एक हो, नेक हो, तो कितने बड़े परिणाम दे सकता है कि गुजरात की लेबोरेटरी से पता चलता है। हमने वो रास्ता अपनाया और उसी के तहत आज ये सद्भावना मिशन
उसको और नई गति देने के लिए, और नई ताकत देने के लिए, और नया प्रभाव पैदा करने के लिए हमने ये 3 दिवसीय उपवास का रास्ता चुना। मैं फिर एक बार कहता हूं ये सारा प्रयास जोड़ने के लिए है, ये सारा प्रयास प्रेम का माहौल आगे बढ़ाने के लिए, ये सारा प्रयास गुजरात एक शक्ति बनकर के देश के लिए काम आए इसलिए। मेरे भाइयों बहनों, इस अवसर पर इतनी बड़ी मात्रा में सामाजिक, धार्मिक, राजकीय सभी वरिष्ठ लोग आशीर्वाद देने आए, मैं उनका बहुत आभारी हूं। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं मानवतावादी शक्तियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मानवता के पैरामीटर से कहीं भी नीचे उतरना नहीं चाहते हैं, नहीं वो रास्ता हमें मंजूर। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 6 करोड़ गुजराती ही मेरा परिवार है, कोई भी मेरे परिवार के बाहर नहीं, ये मेरा परिवार है। उनका सुख ये मेरा सुख है, उनका दुख ये मेरा दुख है, उनकी पीड़ा ये मेरी पीड़ा है। 6 करोड़ गुजरातियों के सपने ये मेरे सपने, 6 करोड़ गुजरातियों की आकांक्षा ये मेरी आकांक्षा। और इसके लिए जिंदगी खपाने की तैयारी, पल पल जनता जनार्दन को समर्पित है, शरीर का कण कण उस पर आप ही का अधिकार है, समय की हर क्षण ये आपकी संपत्ति है, मैं आपको समर्पित हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि सबका विकास किसी भी प्रकार की समाज को तोड़ने वाली प्रक्रियाओं के बिना भी किया जा सके, सबको साथ लेकर के जिया जा सकता है, सबको जोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। आने वाली कल की तरफ देखते हैं, हम आने वाली दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं हो सकता, बैर जैर जिंदगी नहीं बनाता। और इन सारी चीजों को हमने पिछले सालों में जीत करके दिखाया, ये खोखली बातें नहीं है, ये दुनिया को उपदेश देने के लिए नहीं है, 6 करोड़ गुजरातियों ने इसे जीत करके दिखाया। और तब मुझे गर्व होता है मेरे गुजरात के हर नागरिकों के लिए, मुझे गर्व होता है उनके इस पुरुषार्थ और परिश्रम के लिए, और हमने देश को दिया, उपकार नहीं किया, हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भली भांति निभाने के लिए मैं आशीर्वाद चाहता हूं।